आज मैं बनाने जा रही हूँ 6 तरह के वेज रोल, जिसे बनाना बहुत आसान है और स्वाद में सब एक से बढ़कर एक है। मैंने इस वीडियो में चिली पनीर रोल, पनीर टिक्का रोल, पिज्जा रोल और स्पाइसी छोले रोल जैसे बहुत सारे रोल बनाए हैं जिसका स्वाद जबरदस्त है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के मजेदार वेज रोल की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम पराठा बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे डो को गूंद लेंगे। तो यहाँ पे एक बर्तन में 2 कप मैदा डाल देंगे और 1/2 कप आटा। आप चाहे तो सिर्फ आटा भी बनाएं या फिर सिर्फ मैदा यूज़ करें। तो यहाँ पे ये मैं दोनों मिला के यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच तेल डाल दें। नॉर्मली ये जो पराठा है वो सिर्फ मैदे का बनता है, तो यहाँ पे तेल और नमक को अच्छे से मिला दें। अगर आपको मैदा नहीं यूज़ करना है तो आप इसमें सिर्फ आटा यूज़ करें। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। तो नॉर्मली जैसे रोटी या चपाती का डो बनाते हैं वैसे ही हम इसका डो बना लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने इसे गूंद लिया है। अब हम इस डो को ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसका पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे ये पानी हटा देती हूँ मैं, इसे कवर कर दें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट बाद हम इसे वापस एक बार ऐसे गूंद लेंगे और उसके बाद हम इसकी लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे ये जितनी क्वांटिटी का मैंने आटा और मैदा यूज़ किया है इसमें टोटल हम 6 रोल बनाएंगे। तो यहाँ पे 6 लोई मैं बना लेती हूँ और ये मैंने सारी लोई बना ली है। अब हम चलते हैं इसे रोल करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे लोई में थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएं और इसे हम रोल कर लेंगे। नॉर्मली रोटी या चपाती का जितना बड़ा रोल होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इसे रोल करेंगे, क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग करनी है। तो यहाँ पे सारे पराठे को हम पहले रोल कर लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस में आगे जाएंगे वैसे वैसे हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पे सारे पराठे को हम एक साथ ऐसे रोल कर लेंगे। और अब हम चलते हैं पहली रेसिपी में, जहाँ पे हम बनाएंगे चिली पनीर रोल। चिली पनीर रोल बनाने के लिए एक पैन में हम 2 चम्मच तेल गरम करेंगे और इसमें 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 बारीक कटी हुई लहसुन डाल दें। इन दोनों को ज़रा सा पका लें, फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे प्याज शिमला मिर्च मैंने काट के रखा है, तो मैंने यहाँ पे दोनों कलर के शिमला मिर्च यूज़ किए हैं। आप चाहें तो सिर्फ हरा वाला शिमला मिर्च यूज़ करें। शिमला मिर्च और प्याज को 1 मिनट के लिए भून लें ऐसे। जैसे ही शिमला मिर्च हल्का सा फ्राई हो जाएगा हम इसमें पनीर डाल देंगे। तो यहाँ पे 100 ग्राम पनीर मैंने ऐसे काट के रखा था। पनीर को हम शिमला मिर्च के साथ 1/2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इन दोनों को मिला दें। तो अब हम इसमें सारे सॉस डाल देंगे। तो यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच सोया सॉस डाल दें, 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच टमाटो केचप और 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे रेड चिली सॉस डाल देंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे अच्छे से मिला दें। कॉर्नफ्लोर वगैरह इसमें नहीं डालना है, आप चाहे तो इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा चिली पनीर रेडी हो गया है। गैस को ऑफ कर दें और इसे ठंडा हो जाने दें। तब तक हम इस पराठे को सेक लेते हैं जो हमने रोल करके रखा है। तो जैसे नॉर्मल रोटी या पराठा सेकते हैं वैसे इसे तेल लगा के दोनों साइड से ऐसे सेक लें। पराठे को पलटते वक्त स्पैचुला यूज़ करें, नहीं तो हाथ जो है वो जल जाएगा। अगर आपको रोटी पकाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तभी आप हाथों से इसे पलटें। तो यहाँ पर इसके दोनों साइड में ऑयल लगा देती हूँ और जैसे ही पराठे दोनों साइड से हल्के ब्राउन हो जाएंगे हम इसे निकाल लेंगे। आप इसे हाई फ्लेम या फिर लो फ्लेम पे ना सेकें, मीडियम हाई फ्लेम पे सेकें इसे। तो ये हमारा पराठा जो है वो दोनों साइड से पक गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और चलते हैं इसके ऊपर सारी स्टफिंग करने के प्रोसेस में। तो पराठे के ऊपर सबसे पहले हम मेयोनीज डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज, 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप डाल दें। इन दोनों को मिला के पराठे के ऊपर स्प्रेड कर दें और इसके ऊपर हम ये चिली पनीर डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कलरफुल दिख रहा है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे ये प्याज डाल दिया मैंने, इसके ऊपर कोई सॉस वगैरह ना यूज़ करें और चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद एक टूथपिक से आप इसे ऐसे सेंटर से प्रेस कर दें ताकि ये सेट हो जाए। तो ये हमारा चिली पनीर रोल जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा।
पिज्ज़ा रोल बनाने के लिए एक पैन में हम एक चम्मच तेल गरम करेंगे और इसमें प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। मैंने यहाँ पे दोनों कलर के शिमला मिर्च यूज़ किए हैं, आप चाहें तो सिर्फ हरा वाला यूज़ करें। तो इसे हम एक मिनट के लिए भून लेंगे। नॉर्मली जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो सब्जियों को बेक करते हैं पिज़्ज़ा के साथ, तो यहाँ पर ये सब नहीं करना है, इसलिए हम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। तो ये सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी है, गैस को ऑफ़ कर दें और इसे ठंडा कर लेंगे। तब तक हम ये पराठा बना लेते हैं। तो यहाँ पे पराठा बना लिया मैंने। अब हम पराठे के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। तो एक छोटा चम्मच यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लें और उसे अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस के साथ थोड़ा सा टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करेंगे। तो जो भी आपके पसंद का चीज़ है वो इसके ऊपर ग्रेट कर दें। पिज़्ज़ा में चीज़ ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं यहाँ पे चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको चीज़ ज़्यादा नहीं पसंद है तो कम यूज़ करें। फिर हम इसके ऊपर ये फ्राई किया हुआ प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स करते हैं वैसे इसे स्प्रेड कर दें। फिर हम इसके ऊपर ये ऑलिव्स डाल देंगे और ऑलिव्स के बाद हम इसमें एलापिनो डाल देंगे। तो यहाँ पे ये एलापिनो ऐसे स्प्रेड किया मैंने। अब हम इसके ऊपर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दें और इसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो जैसे हम पिज़्ज़ा बनाते हैं ना वैसे ये दिख रहा है बिल्कुल। अब हम लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ चाहे तो ग्रेट कर दें, ये इसमें ऑप्शनल है। तो ये हमारी टॉपिंग्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे ऐसे रैप कर देंगे। आप चाहें तो रोल को बंद करने से पहले थोड़ा सा गर्म कर दें तो चीज़ जो है वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा रोल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आप इस पिज़्ज़ा रोल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। पनीर टिक्का रोल बनाने के लिए एक बर्तन में हम एक से डेढ़ बड़े चम्मच दही ले लेंगे। तो यहाँ पे डेढ़ बड़े चम्मच मैंने दही लिया है। एक चौथाई छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर और एक चौथाई छोटा चम्मच तंदूरी मसाला पाउडर यूज़ करेंगे। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। इसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा पनीर टिक्का बनाना है तो रेड फूड कलर थोड़ा सा ऐड करें, फूड कलर इसमें ऑप्शनल है। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो आप उसके बिना भी से बना सकते हैं। तो अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर को काट के रखा है, मिला दें इसे अच्छे से। अब हम इस पनीर को 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद पका लेंगे। 15 मिनट बाद यहाँ पे गैस ऑन करके एक पैन में तेल गर्म करें। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम ये पनीर इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखें। दही को जैसे ही आप तेल में डालेंगे तेल के छींटे आएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप चाहे तो पैन को साइड से कवर कर दें। इसे हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो यहाँ पे पनीर और दही को हमने मिला लिया है। अब हम इसमें प्याज शिमला मिर्च इसके साथ ही डाल देंगे। तो यहाँ पे ये प्याज और दोनों कलर के शिमला मिर्च मैंने रखा था पहले से, ये डाल दें और इसे हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तो 2 मिनट पनीर को और 1 मिनट प्याज शिमला मिर्च को पका लिया है मैंने। तो ये हमारी पनीर टिक्का की स्टफिंग रेडी है। गैस को ऑफ कर दें और इसे ठंडा हो जाने दें। तब तक हम पराठा सेक लेते हैं। तो नॉर्मली जैसे पहले प्रोसेस में हमने पराठा सेका है वैसे ही पराठा सेक लें और इसके बाद इसके ऊपर हम 1 बड़ा चम्मच ये टमाटो केचप और 1 बड़ा चम्मच ये ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे। इन दोनों को मिला के अच्छे से स्प्रेड कर दें। इसके बाद हमने ये जो पनीर टिक्का बनाया है वो इसके सेंटर में ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पे प्याज शिमला मिर्च को भी हमने हल्का सा पका लिया है और पनीर टिक्का तो बहुत ही शानदार बना है। इसके ऊपर हम 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज डाल देंगे, चीज़ इसमें नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर आपको मिलेंगे, तीखा, चटपटा और ये पनीर टिक्का का। तो अब हम इसे बंद कर देते हैं और ये हमारा बहुत ही टेस्टी पनीर टिक्का रोल जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो सर्व करने के लिए आप इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लें और आप चाहे तो इसके साथ सैलड सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। स्पाइसी छोले रोल बनाने के लिए एक पैन में हम 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गर्म करेंगे। इसमें हम आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा के पकते ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें और प्याज को हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। जैसे ही प्याज पक जाएगा हम इसमें 1/3 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मिला दें इसे और इसे प्याज के साथ हल्का सा पका लें। फिर हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मिला लें। इसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच ये हल्दी पाउडर,
आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और लास्ट में गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। मिला दें इन सबको। जैसे ही मसाले जो है वो हल्का सा पक जाएंगे, हम इसमें उबला हुआ छोले डाल देंगे। तो छोले को मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था, उसके बाद प्रेशर कुकर में 6 से 7 सीटी लगाई है। तो ये उबले हुए छोले डाल दें, नमक डाल दें स्वाद के अनुसार, मिला दें इसे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने दें, उसके बाद हम इसे स्टफिंग में यूज़ करेंगे। छोले रोल या छोले रैप जो है वो आजकल काफ़ी पॉपुलर है, तो मैंने सोचा कि उन्हें इसकी रेसिपी बनाई जाए। तो ये हमारा छोले जो है वो रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे गैस को बंद कर दें और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम ये पराठा बना लेते हैं। तो ये पराठा रेडी है। पराठे के ऊपर हम क्या करेंगे, सेजवान चटनी लगाएंगे। ये वाला जो रोल है वो थोड़ा सा स्पाइसी होगा, तो यहाँ पे सेजवान चटनी और इसके साथ थोड़ा सा आप चाहें तो केचप ऐड कर दें, ताकि इसका तीखापन जो है वो थोड़ा कम हो जाए। मिला दें इसे ऐसे। अब हम इसके ऊपर जो हमने छोले मसाला बनाया है वो सेंटर में रख देंगे। तो यहाँ पे ये छोले ऐसे रख दें। अगर आपको इतना तीखा नहीं पसंद है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज ऐड करें, लेकिन मैं यहाँ पे मेयोनीज वगैरह नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा सा ऐसे प्याज रख देती हूँ और इसके बाद हम इसे रैप कर देंगे। तो ये हमारा रोल जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये टूथपिक लगा देती हूँ मैं। टूथपिक की जगह आप स्क्यूअर या फिर बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं इसे ऐसे रैप करने के लिए। तो आप इस छोले रोल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। चीज़ कॉर्न रोल बनाने के लिए एक पैन में हम 1 चम्मच तेल गरम करेंगे और इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें, मिला दें इसे। प्याज को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर हम इसमें शिमला मिर्च और टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिया मैंने, मिला दें इसे। इन तीनों को मिला के हम 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो यहाँ पर इसे भून लिया मैंने। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच ये चिली फ्लेक्स डाल देंगे, मिला दें इसे। इसके बाद हम इसमें स्वीट कॉर्न डाल देंगे। तो 1/2 कप यहाँ पे ये स्वीट कॉर्न डाल दें। मैंने यहाँ पे ये फ्रोजन यूज़ किया है, अगर आप फ्रेश यूज़ करें तो उसे थोड़ा सा पानी में उबाल लें। नमक डाला मैंने और इसे हम 1 मिनट और पकाएंगे प्याज के साथ। तो इसे ऐसे भून लें। तो ये हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे ठंडा कर लेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पे पराठा बना लेते हैं। अब हम इस पराठे के ऊपर क्या करेंगे कि मेयोनीज लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे टमाटो केचप डाल दें। इन दोनों को मिला के ऐसे स्प्रेड कर दें। इसके बाद हम सेंटर में ये जो हमने स्वीट कॉर्न का मिक्सचर बनाया है वो रख देंगे। तो यहाँ पे ये मिक्सचर रख दें। इसके ऊपर हम चीज़ ग्रेट करेंगे। इसके साथ चीज़ बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ये चीज़ ग्रेट कर दें जितना भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे ये चीज़ ग्रेट किया मैंने। अगर आपको इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है तो आप इसके ऊपर 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस डाल दें, ये इसमें ऑप्शनल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिली सॉस मैं डाल देती हूँ। अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार चीज़ कॉर्न रोल जो है वो रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। तो अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप इस रोल को गर्मा गर्म खाएं, ये आपको और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आलू चीज़ रोल बनाने के लिए एक पैन में हम तेल गर्म करेंगे, इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को तेल में पका लें, इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें और प्याज को हल्का सा भून लें। जैसे ही प्याज पक जाएगा हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चा टेस्ट निकल जाएगा हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पे 1/4 कप टमाटर डाल दें और इसके साथ ही थोड़ा सा हरा मटर डाल दें। मैं यहाँ पे फ्रोजन मटर यूज़ कर रही हूँ, मिला दें इसे। जैसे ही सब्जियाँ थोड़ी सी पक जाएगी हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च और गरम मसाला डाल दिया मैंने, मिला दें इसे अच्छे से। तो ये हमारी सब्जी और मसाले जो है वो पक गए हैं। अब हम इसमें उबला हुआ आलू डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े आलू को उबाल के मैश कर लिया है, नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। अब हम इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो ये हमारा आलू का मसाला रेडी हो चुका है, गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा कर लें। तब तक हम ये पराठा बना लेते हैं। पराठे के ऊपर हम 1 चम्मच यहाँ पे टमाटो केचप और 1 चम्मच मेयोनीज मिला के ऐसे स्प्रेड कर देंगे।
तो यहाँ पे ये मैंने स्प्रेड कर दिया। इसके सेंटर में हम ये आलू का मसाला रख देंगे। आलू का मसाला रखने के बाद हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। तो यहाँ पे जितना चीज़ आपको पसंद है उस हिसाब से आप चीज़ इसके ऊपर ऐसे ग्रेट कर दें। चीज़ डालने के बाद हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। तो यहाँ पे ये प्याज और शिमला मिर्च डाल दिया मैंने, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पे ये चाट मसाला ऐसे स्प्रिंकल कर दें। अब हम इसे ऐसे रोल कर देंगे। तो ये हमारा आलू चीज़ रोल जो है वो रेडी हो चुका है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर अपने लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो सर्व करने के लिए इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप इस आलू चीज़ रोल को ज़रूर ट्राई करें, ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आज की हमारी ये 6 वेज रोल की रेसिपी रेडी हो चुकी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।